आज के वीडियो में हम आइटम पूल के बारे में बात करेंगे। आइटम पूल एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर से हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्विज, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग में इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव वे में हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आइटम पूल एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में हम अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जो वेरियस फीचर्स हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम अपने ब्राउजर में जाकर itempool.com एंटर करेंगे, जो उसका URL है। उसके बाद आइटम पूल में अपना अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे लॉगिन करना होगा। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आइटम पूल में रजिस्टर करने के बाद आपको वो एक्नॉलेजमेंट मेल आपकी ईमेल आईडी में आएगा। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट कर चुका था, तो मैं अपने ईमेल आईडी से आइटम पूल के अंदर एंटर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम पूल का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो गया है। आइटम पूल के लैंडिंग पेज काफी सिंपल है, उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड लिखा है, पूल्स लिखा है, क्विजेस लिखा है, लाइव चैलेंजेस लिखा है और वीडियो लिखा है। ये जितने भी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिए गए हैं, तो हम इस जितने भी फीचर्स हैं उसको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो पहला फीचर है वो है आपका पूल्स। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे पूल लिखा गया है। पूल का मतलब ये है कि आप जितने तरीके के वेरियस क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं। इनडायरेक्टली पूल्स का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक। आप यहाँ पे 50, 100, 200, 300 जो भी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप यहाँ पे पूल में डाल सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत रहेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या क्लास में कोई क्विज बनाना है या कुछ भी आपको क्रिएट करना है, उस परिस्थिति में आप पूल से अपने क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम SCERT जनरल नॉलेज के नाम का एक पूल क्रिएट कर रहे हैं और उस पूल में हम क्वेश्चंस को एंटर करेंगे। आइटम पूल में जब भी हम क्वेश्चन को एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं आइटम्स। आप देख सकते हैं कि पूल में जब हम SCERT जनरल नॉलेज ओपन किए तो यहाँ पे इस तरीके से आपका विंडो खुलेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। आपको पता ही होगा कि इस पर्टिकुलर पूल का जो नाम है वो SCERT जनरल नॉलेज हमने दिया है। इस आइटम पूल, इस पर्टिकुलर विंडो में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ टैब्स हैं। टैब्स को जानना बहुत जरूरी है। इस टैब्स अगर आप देखेंगे तो आइटम्स हैं, अबाउट है, टैग्स है, सेटिंग्स है, कोलैबोरेटर्स है। तो आइटम्स जहाँ पे लिखा है उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अबाउट का मतलब है कि जो पुल है उसका डिस्क्रिप्शन हम इस अबाउट में दे सकते हैं। टैग्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक जगह पे रखना चाहेंगे तो उस समय क्वेश्चन को सर्च करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपके पास अगर 5-10 क्वेश्चन है तो आराम से आप कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास 1000-2000 क्वेश्चंस होंगे तो आप उसमें से सर्च कैसे करेंगे। तो टैग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको क्वेश्चंस को सर्च करने में, एक डेटाबेस में या एक पूल में क्वेश्चन को सर्च करने में मदद करता है। सेटिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे आप अपने पूल को डिलीट कर सकते हैं, अपने आप पूल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के वेरियस सेटिंग्स हैं पूल रिलेटेड। कोलैबोरेटर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर पूल में, जिससे हम अपने पूल जब हम क्रिएट कर रहे हैं कोई क्वेश्चन बैंक, उसमें से हम बाकी अपने फेलो टीचर्स को या टीचर एजुकेटर को या SCERT के फैकल्टी को भी हम जोड़ सकते हैं ताकि वो भी अपने सलाह या क्वेश्चंस जो है उसमें वो दे पाएं।
जनरली इस तरीके का जो कोलैबोरेटर का जो फीचर है वो अपने आप में काफी यूनिक फीचर है आइटम पूल के अंदर। देखिए मैं यहाँ पे आपको आइटम पूल के जो डिफरेंट टैब्स है उसके डिफरेंट टैब्स के डिफरेंट फीचर्स के बारे में यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये सेटिंग्स का है, सेटिंग्स में आप अपने यूआरएल को सेट कर सकते हैं। कस्टम यूआरएल का मतलब कि इस पूल को अगर आप अपने बच्चों के साथ या अपने बाकी टीचर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये पूल का जो कस्टम यूआरएल का लिंक है आप इसको कॉपी करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये क्वेश्चंस बच्चे देख पाए। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, फीचर्स की पूल की विजिबिलिटी। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को पब्लिक या प्राइवेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग में कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब है कि जो भी हमारे आम लोग हैं जिनके पास भी ये कस्टम यूआरएल का लिंक होगा तो वो आपके क्वेश्चन बैंक को देख पाएंगे। प्राइवेट का मतलब यह है कि बहुत लिमिटेड लोग जिनके साथ आपने इस पूल को शेयर किया है वही लोग ही इस पूल का क्वेश्चंस को देख पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप इस पूल को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्यों शेयर करना चाहते हैं, उसके बेस पे ये डिपेंड करता है। इसमें कस्टम यूआरएल का भी है कि कभी कभी कस्टम यूआरएल आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे itempool.com क्लिक स्कूल सपोर्ट ये हमारा है, उसके बाद आप जनरल नॉलेज करके आप लिख सकते हैं क्योंकि ये आइटम पुल का जो नाम हमने दिया है वो जनरल नॉलेज है। तो कस्टम यूआरएल का मतलब है कि आप अपने तरीके से कस्टम अपने यूआरएल को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा गलती कर दिया था, जनरल नॉलेज के बीच में हमने गैप दे दिया था, आप उसको हाइपेन या डॉट या एक साथ भी आप उसको लिख सकते हैं। तो ये उसका लिंक है जो आप अपने बच्चों के साथ या टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर से कहा कि कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर में आप यहाँ पे अपने बाकी साथियों को भी ऐड कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन बैंक में कंट्रीब्यूट कर पाए। जैसे हम गणित के शिक्षक हैं, हम 5 क्वेश्चन डाले तो आसपास के अगर कोई दूसरा विद्यालय है जिसमें गणित के शिक्षक कुछ क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और वो यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। आइटम पूल का जो पूरा क्वेश्चंस है अभी तक हमने उसका डिटेल में बात नहीं किया है। जनरली हम यहाँ पे 5 डिफरेंट तरीके का क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, फ्री रेस्पॉन्स डाल सकते हैं, फ्री रेस्पॉन्स का मतलब होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक ये एक फीचर है, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं। मैथ इनपुट, इसमें बहुत सारे मैथ्स के टूल्स हैं जिससे आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस या बाकी सब चीज़ें जो मैथ्स के रिलेटेड हैं आप उनसे उनको भी ऐड कर सकते हैं। एक फाइनल जो है ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब कि अगर आप किसी को ऐसे कंपटीशन वगैरह कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे आप बस अपना आइटम को डालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को लिखें और उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है तो आप एक ब्लैंक क्वेश्चन सेट भी डाल सकते हैं। तो ये जनरली जो 4 या 5 तरीके का जो क्वेश्चंस हैं इसी क्वेश्चंस के स्टाइल को आप इस्तेमाल करके आइटम पूल का इस्तेमाल अपने क्विज में या अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं उसके दूसरे फीचर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डालने की कोशिश किया कि आइटम का नाम है हमने अबाउट छत्तीसगढ़ और उसमें टैग्स हमने दिया डिस्ट्रिक्ट्स। हम जनरल नॉलेज के अंदर अबाउट छत्तीसगढ़ और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जानने की एक छोटा सा क्विज हम क्रिएट करना चाह रहे थे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चयन किया। तो आप देख सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चयन करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा और उस विंडो में आप अपने क्वेश्चंस और आप अपने ऑप्शंस को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा एक जिला है जो रायपुर जिले के बॉर्डर के साथ टच नहीं होता है। तो हमने 4 ऑप्शंस यहाँ पे हम देंगे।
और चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन उसमें से सही होगा, तो आप यहाँ पे की आंसर देके चेंज कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को वेरी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन दिया महासमुंद, दूसरा ऑप्शन हम देना चाहते हैं धमतरी या दुर्ग, कोई भी धमतरी हम लिख देते हैं यहाँ पे, तीसरा हम लिखते हैं यहाँ पे दुर्ग, और चौथा मान के चलते हम कांकेर लिखते हैं कि कांकेर एक ऑप्शन रह सकता है। तो हमको पता है कि जैसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें पता है कि कांकेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रायपुर के डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के साथ टच नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप रायपुर को टच कांकेर को टच करेंगे, टच मतलब कि क्लिक करेंगे, तो वहां पे ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि कांकेर जो है राइट आंसर है। तो पार्टिसिपेंट जब आंसर करेंगे, तो अगर कोई गलत आंसर करेंगे या राइट आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा राइट है और किन 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 लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो अभी हम आइटम पूल के डैशबोर्ड पे चलते हैं और अब देखते हैं कि उस पूल में हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो जब आप पूल में क्वेश्चंस को एक बार आपने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को आइदर क्विज में इस्तेमाल कर सकते हैं या लाइव चैलेंजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं या वीडियो बेस्ड अगर कोई हमारा असेसमेंट है तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्विज में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्विज पे जाके अबाउट छत्तीसगढ़ नाम का एक क्विज हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा अबाउट छत्तीसगढ़ का क्विज वाला जो विंडो है वो ओपन हो गया है। हम इसमें क्वेश्चन डालेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब भी आप इसको आइटम पुल में क्वेश्चंस डालेंगे, आइटम पुल में हमेशा आइटम मतलब होता है क्वेश्चंस। तो हमको याद है कि हमने पुल में ऑलरेडी एक क्वेश्चंस बना के रखा हुआ है कि कौन सा बॉर्डर जो है रायपुर के बॉर्डर के साथ टच नहीं होता है। हम चाहते हैं कि वही क्वेश्चन को इंपोर्ट करके हम क्विज में डालें। तो ये प्रक्रिया हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आइटम पुल में जो हमने क्वेश्चन सेट किया था उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने का सबसे आसान प्रक्रिया यह है कि आप अपने क्विजेस में गए और क्विजेस में वहाँ पे आप एक्सपोर्ट फ्रॉम, आप अपने पूल में जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको आप लिखिए ऐड टू क्विज सिलेक्ट करने के बाद। तो आप देखेंगे कि इमिडिएटली वो क्विज जो है आपके आपका पूल से वो क्वेश्चन जो है कॉपी होके आपके क्विज में इंसर्ट हो गया होगा। ओके सो आप देखिए यहाँ पे कि आपका जो हमने अभी क्विज में चेक किया, तो देखिए यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन जो है क्विज पे आ गया है। इस क्विज को हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक टैब है शेयर, शेयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इमिडिएटली आइटम पूल से एक यूआरएल, आइटम पूल से एक यूआरएल लिंक जनरेट होगा। आप उस यूआरएल लिंक को बच्चों के साथ या बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या क्यूआर कोड बना के भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए कि अभी यहाँ पे हम उस कोड को जनरेट कर लिए हैं, राइट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम आइटम पूल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि बाकी क्विज में या बाकी कोई भी असेसमेंट में क्वेश्चंस को होल्ड करने का जो क्वेश्चन को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो जनरली नहीं होता है। जैसे आप गूगल क्विज के बारे में बात करो या कहूट के बारे में बात करिए, तो उसमें क्या है कि एक बार आपने क्वेश्चन डाल दिया तो बैक टू बैक क्वेश्चंस वो आता रहेगा स्टूडेंट के साइड से। मतलब अगर मैं क्वेश्चन को फिल कर रहा हूँ तो मुझे वन बाय वन क्वेश्चंस आते रहेंगे। लेकिन आइटम पुल में जब हम एक तीसरा फीचर्स देखेंगे कि जब हम लाइव क्वेश्चंस को फ्लो कर रहे हैं उस समय आप क्वेश्चंस को होल्ड कर सकते हैं। उदाहरण से स्वरूप मान के चले कि आप मोशन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप उस मोशन के चैप्टर में पांच क्वेश्चंस बच्चों से पूछना चाहते हैं, लेकिन पांच क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछना चाहते हैं, हर 10 मिनट में 5 मिनट में जब भी आप ब्रेक में बच्चों को वो सवाल आप पूछना चाहते हैं।
तो उस केस में क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को होल्ड कर सकते हैं और जब भी आपको रिलीज करना होगा तभी आप रिलीज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो सेशन का जो इंटीग्रल पार्ट है वो बरकरार रहेगा कि जिस तरीके से आपने इंस्ट्रक्शन को डिजाइन किया है उस तरीके से आप फ्लो कर सकते हैं अपने सेशन को। अभी लाइव चैलेंज पे हमने क्लिक किया, क्लिक में हमने लाइव चैलेंज का नाम देना पड़ेगा टाइटल, तो यहाँ पे हमने अबाउट छत्तीसगढ़ या जो भी आप देना चाहते हैं सीजी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अपना न्यू आइटम को आप ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग पूल से आप क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे आपको पता है कि चार वेरियस ऑप्शंस होते हैं तो आप यहाँ पे किसी प्रकार का सवाल आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम इस लाइव क्विज में एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे और एडिट में ये पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बॉक्स के अंदर है वो आपका आंसर की है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपना राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रायपुर लिखा और रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि जब बच्चों को ये क्वेश्चन दिखेगा तो बच्चों को दिखेगा डैश इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो बच्चों को वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाल दिया और इसको क्वेश्चन को हमने सेव कर दिया, तो क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी सेव हो गया है। अभी देखिए बच्चों को किस तरीके से दिखा, डैश इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो अभी हम बच्चों को प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट का एक टैब जो है आपको ऊपर दिखा गया है, आप प्रेजेंट देखिए और स्टार्ट ए न्यू सेशन आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ये देखिए ये क्वेश्चन है डैश इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। लेकिन जब तक आप गो लाइव पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन जो है बच्चों को नहीं दिखेगा, तो आपको गो लाइव करना पड़ेगा। लेकिन इसका यूआरएल कहाँ है? यूआरएल होगा आपका answer@itempool.com/clickschoolsupport/live, ये आपका यूआरएल है। इस यूआरएल को आपको बच्चों के साथ शेयर करना है, तो बच्चे अपने अपने स्पेस पे अपने मोबाइल पे इस क्विज को एक्सेस कर सकते हैं क्लासरूम में, या किसी भी आप अगर कोई इवेंट पे या कोई कॉन्फ्रेंस पे अगर आप इस पर्टिकुलर फीचर को यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे ये गो लाइव करने के बाद आपको एक चीज और करना पड़ेगा कि मैं जैसे कहा कि लाइव क्विज में आप क्वेश्चन को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड का मतलब है कि जब आप चाहें तो तब रिलीज कर सकते हैं, उसके बाद बच्चे ही देख पाएंगे। तो यहाँ पे बिगिन एक्सेप्टिंग आंसर्स अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद ही बच्चे जो है उस क्वेश्चन को देख पाएंगे। उसके बाद आपको सेशन को एंड करना है और सेशन एंड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके जितने भी आंसर्स हैं वो CSV फाइल में इंडायरेक्टली एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा। आप इसको सेव करके बाद में एनालाइज कर सकते हैं कि कौन उसमें अच्छा किया है कौन क्या किया है। दूसरा एक चीज है यहाँ पे कि वीडियो बेस्ड असेसमेंट। हम सब जानते हैं कि आजकल सब पढ़ाई जो है वीडियो से हो रही है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वीडियो बेस्ड असेसमेंट, क्या हम एक वीडियो बच्चा देख रहा है उससे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उस वीडियो से वो सीखा। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी YouTube का एक वीडियो को यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक फीचर है वहाँ पे वीडियो का, और उस वीडियो में आप वीडियो देखने के बाद बच्चों से सवाल कर सकते हैं कि उस वीडियो से बच्चा ने क्या सीखा, और वो आपका असेसमेंट का पॉइंट्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक डेमोंस्ट्रेशन कर लेते हैं कि वीडियो को कैसे इंसर्ट करेंगे और वीडियो से कैसे हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो का यूआरएल आपसे पूछा जाएगा। आप यूट्यूब में पढ़ाई तुहर द्वार या पीडीटी कोई भी किसी भी एक जो आपका एजुकेशनल चैनल है उससे कोई भी वीडियो अगर आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं या वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं कंप्यूटर का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसका एक वीडियो मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, मतलब बच्चों को दिखाना चाहूँगा, उसके ऊपर मैं पूछूंगा कि आप बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या सीखे।
तो जैसे एक सीपीयू का कंपोनेंट्स के बारे में है ये वीडियो है, एससीआरटी का एक वीडियो है। इस वीडियो को मैंने कॉपी किया उसका यूआरएल को, और आइटम पूल में जाके उसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अबाउट द वीडियो ये मांग रहा है कि वीडियो किस चीज का है, हम लिख लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर या कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के बारे में है, तो इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वीडियो जो है वहां पे एम्बेडेड हो गया। अब इस वीडियो के बेस पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिलहाल हम एक ब्लैंक एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि इस वीडियो से बच्चों ने क्या सीखा। तो यहाँ पे आप आइटम में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, आप अपने इस वीडियो से आपने क्या सीखा। तो बच्चे जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद इस तरीके से आपका बॉक्स खुलेगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आइटम पुल में वीडियो इंसर्ट हो गया है। और इंसर्ट होने के बाद बच्चे उस वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के साथ ही आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वीडियो का जो क्वेश्चंस है, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द वीडियो, उसका असेसमेंट का क्वेश्चन आप यहाँ पे आ गया। तो ये वीडियो देखने के साथ साथ ही बच्चे अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को वो सबमिट कर आप बाद में उसका एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये जो चार फीचर्स हैं ये आइटम पूल को काफ़ी डिफरेंट करता है। पहला तो है कि आप इसमें क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, जिसको पूल हम कहते हैं। उसमें आप 1,000, 2,000, 3,000 जितना चाहें उतना क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जब भी आपको फ्यूचर में रेफरेंस की ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा है कि क्विज, जैसे आप गूगल क्विज या कहूट या बाकी सब प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चंस बनाते हैं, उसका फीचर्स भी यहाँ पे है। वो आप क्विज बना सकते हैं, और क्विज में भी चार डिफरेंट टाइप ऑफ क्विज बना सकते हैं, जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं, फ्री रेस्पॉन्स बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, मैथ्स का इनपुट दे सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरा है कि आप इसको लाइव क्विज भी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा ऑथोरिटी रहेगा कि आप क्वेश्चंस को होल्ड कर पाएं, जब आपको चाहें तब रिलीज कर पाएं। कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कुछ ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पढ़ाया और आधे में उसको रोक के आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे बच्चों को, और फिर जो है ना आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किए, या स्कूल में भी ऐसे कर सकते हैं। और चौथा है कि वीडियो बेस्ड असेसमेंट, आपने किसी एक वीडियो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके बच्चों से कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पे प्रावधान है। तो आइटम पुल का आप लोग इस्तेमाल करें, फ्री है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री एप्लीकेशंस हैं, फ्री इसमें है, तो इसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो भी चार फीचर्स के बारे में हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।